एक और छात्र की रैगिंग ने जान ले ली। इस बार 20 वर्ष का सिद्धार्थ रैगिंग का शिकार हुआ। 29 घंटे तक लगातार टॉर्चर, रैगिंग, शारीरिक और मानसिक रूप से केरल के इस छात्र को उसके सीनियर्स ने इतना प्रताड़ित किया कि अंत में सिद्धार्थ ने अपने छात्रावास के भीतर बाथरूम में जाकर आत्महत्या का कदम उठा लिया। 18 फरवरी को वायनाड में केरल पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय में मृत पाए गए 20 वर्षीय छात्र जेएस सिद्धार्थ के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ की गंभीर रैगिंग की गई थी और 29 घंटे तक लगातार उस पर हमला किया गया था। 16 फरवरी को सुबह 9 बजे से 17 फरवरी को दोपहर 2 बजे तक उसे प्रताड़ित किया गया था। उस पर बेल्ट से हमला किया गया। सिद्धार्थ पर शारीरिक हमला करने के साथ साथ उसे मानसिक यातनाएं भी दी गई थी, जिससे आहत होकर छात्र ने आत्महत्या कर ली। राज्य पुलिस ने सीबीआई को सौंपी गई अपनी केस फाइल में इस बात की जानकारी दी। सिद्धार्थ अब इस दुनिया में नहीं रहा। रैगिंग के बाद उसने आत्महत्या की, लेकिन प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में छात्र छात्राएं कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। ऐसे में आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई आपकी या आपके साथी की रैगिंग लेता है तो आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। रैगिंग लेने वालों पर जेल से लेकर जुर्माने तक का प्रावधान है। इसे लेकर कानून क्या कहता है, किस तरह की सजा मिल सकती है, साथ ही कैसे शिकायत करें, ये आपको पता होना चाहिए। भारत में रैगिंग आज़ादी के पहले से हो रही है। पहले ये इंग्लिश और आर्मी स्कूलों में मजाक के तौर पर ली जाती थी, लेकिन इसमें किसी प्रकार की हिंसा शामिल नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2001 में ही रैगिंग पर प्रतिबंध लगा कर रखा है, बावजूद इसके रैगिंग नहीं रुकी। देश के किसी न किसी कोने से रैगिंग की शिकायत आम हुई। मारपीट, मानसिक प्रताड़ना, स्टूडेंट्स की खुदकुशी तक की घटनाएं सामने आई। साल 2009 में राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के बाद छात्र अमन काचरू की मौत हो गई थी। घटना के बाद देश में बवाल मच गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नियम कानून बनाने को कहा था। उसके बाद से राज्य सरकारों, यूजीसी, AICTE जैसी संस्थाओं ने देश भर में मौजूद शैक्षिक संस्थाओं को इसकी जिम्मेदारी दी। हर शैक्षणिक संस्थान में अब एंटी रैगिंग कमेटी है। कोई भी छात्र छात्रा इस कमेटी के किसी भी सदस्य से मिलकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस कमेटी में टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ, पेरेंट्स, स्टूडेंट, पुलिस ऑफिसर, मीडिया कर्मी भी होते हैं। महिला सदस्य का होना भी अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही UGC द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर 1800180055522 पर भी शिकायत कर सकते हैं। रैगिंग को लेकर ऐप के जरिए भी शिकायत की जा सकती है। सबसे पहले मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर एंटी रैगिंग टाइप करना होगा। यहाँ एंटी रैगिंग MHRD नाम से एक ऐप दिखाई देगा। इस ऐप में क्लिक करने के बाद उसे अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करना होगा। इसमें कंप्लेन स्टेटस के साथ स्टूडेंट्स के लिए एक ID जनरेट होगी। इस ID के जरिए केस का स्टेटस भी देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें कंप्लेन डिटेल डालनी होगी और फिर उसको सबमिट करना होगा। रैगिंग के लिए सजा के कड़े प्रावधान भी किए गए हैं। रैगिंग के लिए क्या है सजा, आइए आपको बताते हैं। UGC ने इसके लिए अपनी ओर से सजा तय की है। दोषी पाए जाने पर क्लास से निलंबित किया जा सकता है। स्कॉलरशिप समेत अन्य सरकारी सुविधाएं रोकी जा सकती हैं। परीक्षा का मूल्यांकन एवं परिणाम रोका जा सकता है। हॉस्टल से निलंबित या निष्कासित किया जा सकता है। किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने से रोका जा सकता है। एडमिशन भी रद्द किया जा सकता है। संस्थान से निकाले जाने के बाद कहीं और एडमिशन पर प्रतिबंध। 25,000 से 1,00,000 रुपए तक का आर्थिक दंड संभव। रैगिंग के तहत सामूहिक सजा का भी प्रावधान है। अलग अलग राज्य सरकारों ने रैगिंग को लेकर अपने नियम कानून बनाए हैं। इसमें कारावास से लेकर अर्थ दंड तक के सख्त प्रावधान किए गए हैं। हालांकि ये राज्यवार अलग अलग हो सकते हैं।
जिस राज्य में संस्थान स्थापित है उस पर यूजीसी के साथ ही राज्य सरकार की ओर से बनाए गए कानून लागू होंगे। त्रिपुरा सरकार ने 4 वर्ष, महाराष्ट्र ने 2 वर्ष, उत्तर प्रदेश ने 2 वर्ष, छत्तीसगढ़ ने 5 वर्ष तक के कारावास के साथ ही सभी राज्यों ने अर्थदंड का प्रावधान किया हुआ है। कैमरा पर्सन रमेश के साथ रेशु त्यागी, APN News।